नमस्ते दोस्तों। सो हे गाइस, आज मैं देने वाला हूँ आपको टॉप 5 गॉड लेवल एक्यूरेसी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, और मिलते हैं आपको वीडियो के एंड में। और मुझे जल्दी से कमेंट में बता देना नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पर होना चाहिए। सो गाइस, टिप नंबर 1 है परफेक्ट सेंसिटिविटी। परफेक्ट सेंसिटिविटी आपको कैसे मिलेगी वो मैं बताता हूँ। परफेक्ट सेंसिटिविटी किसी को कॉपी करने से नहीं मिलेगी, वो आपको खुद बनानी पड़ेगी खुद से। अब खुद से कैसे बनानी है वो मैं आपको बताता हूँ। जिससे नहीं बनती सेंसिटिविटी, वो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर देना, मैं उसके डिवाइस के हिसाब से उसको एक सेंसी बना के दूंगा। परफेक्ट सेंसिटिविटी बनाएंगे कैसे? तो यार सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा ट्रेनिंग ग्राउंड में। दैनिक गन लेने के बाद फायर करना है। अगर आपका एम बॉडी पे जा रहा है तो इसका मतलब आपकी लो सेंसी है। अगर आपका एम हेड के ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब हाई सेंसी है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग से सेंसी को ऊपर नीचे करके देखना है। जिधर आपका हेड शॉट परफेक्ट बैठ रहा है उधर आपको सेंसी को सेट करना है। गाइस, नंबर 2 पे आता है फायर बटन साइज। फायर बटन साइज एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकती है एक्यूरेसी के मामले में। तो यार फायर बटन साइज ऑलवेज मैं प्रेफर करूँगा 40 से लेके 55 के बीच में होना चाहिए, बिकॉज ये मेरे हिसाब से बेस्ट रहता है एक्यूरेसी के लिए। और मेरा फायर बटन साइज है 49। नंबर 3 पे आता है ड्रैग। तो यार ड्रैग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्यूरेसी के लिए। कि आप किस एंगल में, किस तरीके से, किस सिचुएशन पर कैसे ड्रैग करते हो। तो यार ड्रैग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ड्रैग के बहुत तरीके होते हैं, लाइक रोटेशन ड्रैग सबसे परफेक्ट है एक्यूरेसी के मामले में। तो यार आपको अपने हिसाब से ड्रैग करना, और हमेशा स्लो ड्रैग करना है। लाइक ज़्यादा ऊपर फास्ट ड्रैग नहीं करना, तो आपका बुलेट 99% रिकॉइल ही जाएगा। तो आपको हमेशा स्लो ड्रैग करना है और हमेशा एनिमी का एंगल लेना है एंगल। सो गाइस, यार नंबर 4 पर आता है फर्स्ट फायर। आप हमेशा फर्स्ट फायर करते हो जिससे एनिमी आपका फ़ायदा उठाता है और आपको मार देता है। क्यों? क्योंकि आपका जो करेक्टर है वो बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में आ जाता है जैसे ही आप फायर करते हो। तो हमेशा आपको ये करना है कि सामने वाला पहले फायर करें, अदरवाइज़ उसका जैसे ही सामने होगा करेक्टर तो आपको इंस्टेंट एकदम फायर कर देना है। आपका मतलब 90% हेडशॉट लगेगा ही लगेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो यार हमेशा फर्स्ट फायर मत करना, सामने वाले को फायर करने देना। गाइस लास्ट एक्यूरेसी टिप्स है हमारी नंबर 5, और वो है लो मूवमेंट। तो यार जब भी आप हमेशा कस्टम्स वगैरह खेलो तो हमेशा अपनी मूवमेंट को लो रखना। लाइक जब आपको आपके मूवमेंट स्पीड की ज़रूरत हो तभी उसको इस्तेमाल करना। लाइक फालतू में इधर उधर स्क्रीन रोटेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उससे आपकी एक्यूरेसी ख़राब होएगी। तो जब भी आप हमेशा आपके सामने एनिमी हो तो एक बार थोड़ा होल्ड एंड फायर का ट्राई करना। जब अपना करेक्टर को थोड़ा होल्ड करके ग्लू के पीछे देन फायर करना, आपका 99% लग सकता है शॉट। अगर आप मूवमेंट करके उसके सामने सीधे सीधे जाते हो तो आप जल्दी जाके मर जाओगे। तो यार जैसे कि मैंने कहा था, जिसको भी परफेक्ट सेंसिटिविटी वगैरह चाहिए तो इंस्टाग्राम पे DM कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, और आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर होनी चाहिए, मतलब किस टिप्स के ऊपर होनी चाहिए। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में।